हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले ये कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये मैं आपको शो कर दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है ये डायरेक्टली हम एक्सरसाइज के माध्यम से सीखेंगे। तो स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। तो देखिए, यदि आपको लगता है कि ये क्यों ज़रूरी है पंक्चुएशन मार्क्स, तो एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे आप चैटिंग करते हैं तो लिखते हैं छुट्टी हो गया, तो सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है छुट्टी हो गया ये पूछ रहा है या बता रहा है। तो यदि हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दें तो सामने वाला समझ जाएगा कि हमें पूछ रहा है छुट्टी हो गया है क्या। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल में हम ऐसा टॉकिंग करते हैं, चैटिंग में उसकी बात कर रहा था मैं। फिर एक एग्ज़ाम्पल हिंदी में देखिए, उसे रोको मत जाने दो, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि उसको रोकने के लिए बोल रहा है या फिर जाने के लिए बोला जा रहा है। तो यदि हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं फुल स्टॉप, तो मतलब कि उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ, उसे रोको मत जाने दो, तो मतलब क्या होगा कि उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो ये फ़र्क होता है एक मार्क लगाने से एक सेंटेंस में कैसे चेंज आ जाता है, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू शो करना चाहता था। तो ये कुछ एक्सरसाइज लिए हैं मैंने, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री चैनल है ये, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है जहाँ नेसेसरी है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं लगाना है। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप, यदि आपको ग्रामर पढ़ने में बोरियत फील होती है कि आप बहुत सारे रूल नहीं पढ़ पाते, आपको बोर लगता है, तो आप इन एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद भी इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत रहती है। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको कुछ इसमें समझ आपका बढ़ सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी डू यू प्ले चेस। तो ये हमको देखने समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं इसकी। ही सेड टू मी, तो यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए था, उसके बाद ये डू यू प्ले चेस, इसको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होना चाहिए था, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क के बाद में ये नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के पहले ही हमको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना पड़ता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। कई बार आपको ही सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा की जगह आपको कॉलन भी देखने को मिल सकता है, ये है कॉलन, ऐसा कॉलन भी हो सकता है इसकी जगह, तो वो भी सही है, ये भी सही है। कई बार हम बिना कॉमा के भी इसको हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना वो करेक्ट नहीं होता, ये ही सही, कॉमा लगाना ज़्यादा सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट अ थीप इज़ ही। अब ये एक सेंटेंस हमको देखने समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्रामर का पार्ट है, क्वेश्चन टैग है ये। तो ही इज़ नॉट अ थीप इज़ ही, तो यहाँ पे होना चाहिए था एक कॉमा कि वह एक चोर नहीं है बोल रहे हैं, उसके बाद इज़ ही, क्या वह है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना था। तो अब ये कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं, व्हाट एन इजी क्वेश्चन। अब व्हाट तो एक क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है, लेकिन क्या हम क्या यहाँ पे हमको क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, पर नहीं, देखिए इसमें व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एक जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिसमें आदि बोधक चिन्ह, ये आश्चर्य हो रहा है, व्हाट एन इजी क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन है ऐसा बोल रहा है, तो ये वाला मार्क इसमें होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, वाओ व्हाट अ नाइस पिक्चर, ये भी कुछ सडन जो एक्सप्रेशन हमारे होते हैं एक्सक्लेमेशन वाले, वही शो कर रहे हैं अभी, वाओ वाओ बोल रहा है, मतलब वाओ एक ऐसा वर्ड है जो
एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, तो इसके बाद भी हमको एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ लास्ट में भी हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। देखिए ये जो एक्सक्लेमेशन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जो फुल स्टॉप होता है, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। एंडिंग पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं हम इसको, या टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स भी इसको कहा जाता है। इन तीनों को, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई आस्क्ड हर हाउ शी हैड डन इट। देखिए ये भी डायट इन डायट स्पीच का मतलब नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पे आई आस्क्ड हर, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या है, इन डायट स्पीच में बोला गया है। ठीक है, इन डायट स्पीच में बोला गया है, ये क्वेश्चन वाला वर्ड तो लगा हुआ है लेकिन उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमको लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता है। ठीक है, ये आप पंक्चुएशन मार्क भी समझ रहे हैं, इन डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच का भी नियम को समझ रहे हैं। तो आई आस्क्ड हर हाउ, हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और लगाते भी नहीं हैं जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे होना ये है, शी हैड डन इट, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चेंज करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, पंक्चुएशन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी एक डायट स्पीच का सेंटेंस है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि डायट उसके वर्ड्स को बोला गया है, डू यू प्ले चेस, ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आई होप ये आप समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, ए एन द। तो जब कभी ऐसे लिस्ट दिया जाता है, ठीक है, एक सेंटेंस रहता है, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेंटेंस है, ये वाक्य है, इंडिपेंडेंट है अपने आप में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ होना चाहिए था, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। तो उसके बाद जब हम उसको लिस्ट आगे देते हैं तो उसके बाद हमको ये कॉलन लगाना रहता है, कॉलन लगा के हम लिस्ट दे सकते हैं, ए एन और द, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए, या ए एन, यहाँ पे एक कॉमा लगा दी, ये ए एन द, ये हो जाएगा सही, या ए एन एंड द भी कर सकते थे आप, यदि यहाँ पे एंड आप लगा देते तो एंड भी चल जाता, एंड द। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ 12:30 PM इन माई वॉच। तो देखिए कॉलन का प्रयोग हम टाइम के लिए भी करते हैं, आप हमेशा ऐसा देखे होंगे घड़ी में भी, ऐसा जब शो करता है 12:30 या 1:30 जो भी हो, तब ऐसे 2 डॉट होते हैं, इसको बोलते हैं कॉलन, तो टाइम बताने के लिए भी कॉलन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ मोहनस पेन, या मोहन का पेन है ऐसा वो बोलना चाह रहा है, तो मोहनस पेन, तो मोहनस पेन हमको एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए था, ये एपोस्ट्रॉफी एस, ये एपोस्ट्रॉफी लगा दिए एस, या मोहन का पेन है। देखिए इसमें कुछ कुछ रूल आप और जान लीजिए, मान लो यहाँ पे रहता कि विकास, कई बार क्या होता है लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में एस होता है, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल, तो हमको क्या करना पड़ता है, लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, फिर से एस नहीं लिखते हैं, है ना, फिर से एस नहीं लिखते हैं, बॉयज़ हॉस्टल या फिर गर्ल्स, फिर यहाँ एपोस्ट्रॉफी, फिर हॉस्टल, ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एस है तो फिर से हम एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एस आ गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम में भी एस होता है, जैसे कि मान लो विकास, और विकासेस पेन, तो विकास का पेन है ना, तो यहाँ पे क्या हमको एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना पड़ेगा,
तो ये आपकी चॉइस है। आप किसी नाम के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के डिक्शनरी में तो विकास वर्ड ऐसा कुछ है नहीं, ये तो किसी का नाम है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर सकते, हम दोनों चला सकते हैं। चलिए, आई होप ये समझ पाए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द बुक्स प्राइस इज वेरी हाई। तो बुक का जो प्राइस था वो क्या था? वेरी हाई था, बुक का प्राइस। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा एस लगा सकते हैं, बुक का प्राइस? बुक एक लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है ये देखना है आपको। एस वहाँ पे लगाना रहता है जो लिविंग होता है, जैसे बॉय, गर्ल्स, विकास, ये सब क्या थे? लिविंग थिंग थे। लेकिन बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज़ है, तो इसके आगे हम ऐसा एस नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस ही एक फॉर्मेट ही गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था, द प्राइस ऑफ बुक इज़ वेरी हाई, ऐसा हो सकता था। इसमें किसी निर्जीव चीज़ के आगे, वस्तु के आगे हमको एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये आपको नियम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीता इज मोहन सिस्टर इन लॉ। तो इसमें देखते हैं, तो सीता इज मोहन, तो मोहन ये बोलना चाह रहे हैं कि सीता मोहन की जो क्या है, सिस्टर इन लॉ है, किस साली है। तो यहाँ पे मोहन ऐसे होना चाहिए था, सीता इज मोहन सिस्टर इन लॉ। अब देखिए, ऐसे वर्ड में जो ज्वाइंट होते हैं, ऐसे वर्ड के लिए आपको बीच में क्या लगाना पड़ता है? हाइफन लगाना पड़ता है। देखिए, हाइफन और डैश में देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। हाइफन छोटा होता है और डैश जो थोड़ा बड़ा होता है, किसी चीज़ को एक संयोजक कहलाता है। किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ता है, हाइफन का, हाइफन का और डैश का जो प्रयोग होता है, हम किसी चीज़ को निर्देश देने के लिए करते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है। इसका भी डैश का भी एग्जांपल आगे देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई विजिटेड दिल्ली ऑन 2nd मार्च, मंडे, 21st मार्च, फ्राइडे, 28th मार्च, फ्राइडे। तो देखिए, इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मैं जो दिल्ली गया था, कब कब गया था? 2 मार्च को, फिर मंडे को, फिर 21 मार्च को, फिर फ्राइडे को, फिर 28 मार्च को, फिर फ्राइडे को, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि 21 दिल्ली ऑन 2nd मार्च, ये इसी का पार्ट है, मंडे। तो इसमें क्या करना है हमको? यहाँ पे सिर्फ कॉमा से काम नहीं चलेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा? सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, तब ये इससे अलग होगा। अब देखिए, 21st मार्च फ्राइडे, इसको भी सेमी कॉलन लगा दिए यहाँ से, ये अलग हो गया और लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। तो तीन बार मैंने क्या दिल्ली गया, इस दिन और इस दिन, ऐसे को अलग करने के लिए हमको सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। सेमी कॉलन क्या होता है? अर्धविराम जो कि पूर्ण विराम जैसा ही है, लगभग फुल स्टॉप जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा उसमें कम रुका जाता है इसमें बोलते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। आई विजिटेड मैनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक UK, इटली, जर्मनी, etc। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही है। बस ये देखना है कि जो कंट्रीज़ के शॉर्ट फॉर्म में नेम्स होते हैं, उसमें ऐसा डॉट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, UK आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे और होता है MLA, इसमें आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, MA, ठीक है, AM, PM, ये आपकी चॉइस है, इसमें लगाएं चाहे ना लगाएं, दोनों सही है। लेकिन कुछ जो वर्ड होते हैं जो बिल्कुल स्मॉल में ही यूज़ किए जाते हैं हमेशा, जैसे कि IE, तो इसमें आपको डॉट लगाना ज़रूरी होता है, IE या ETC एट्सेट्रा, ETC आप इसका यूज़ देखे होंगे, ETC मतलब इत्यादि लिखते हैं ना, कि आई हैव पेन, बुक्स, ETC है ना, मेरे पास पेन है, बुक है, बहुत सारी कुछ ऐसे स्टेशनरी की चीज़ें हैं,
आई ई मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है, आई ई फॉर एग्जाम्पल, ये सब लेटिन वर्ड हैं इसलिए ऐसे ही यूज़ होते आ रहे हैं। और इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको ऐसा डॉट लगाना ज़रूरी रहता है, लेकिन इस सब में आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, में क्या हो रहा है देखिए, ये मैन प्रपोजेज ये अपने आप में एक कंप्लीट क्या है, इंडिपेंडेंट एक क्लॉज है, ठीक है। मैं क्लॉज का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको इसमें अपलोड कर दूंगा, उसमें आप अच्छे समझेंगे। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र है अपने आप में, ये अपने पूर्ण अर्थ रखता है। गॉड डिस्पोजेज ये भी अपने आप में एक पूर्ण अर्थ रखता है। तो ये जब सडन चेंज होता है किसी भी सेंटेंस में थॉट का, इसमें क्या थॉट का सडन चेंज हो रहा है, मैन क्या प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज करता है, ठीक है। मतलब आदमी जो चाहता है वैसे भगवान उसको दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हमको सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ता है, या फिर ये सेमी कॉलन का यूज़ जो होता है ये कब होता है पता है, इसमें मतलब जो बट बिकॉज ये सब जो वर्ड होते हैं ना, ये सब कट जाते हैं इसके यूज़ से। अगर हम इस वर्ड सेंटेंस को चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे कि मैन प्रपोजेज, उस समय क्या होता, ये थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता, मैन प्रपोजेज बट, ठीक है, यहाँ पे कॉमा रहता, बट गॉड डिस्पोजेस, ऐसा हो जाता, बट लग जाता, कॉमा लग जाता। लेकिन चूंकि बट हट गया है तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसका प्रयोग होगा सेमी कॉलन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम इज़ अ गुड बॉय। तो ये अपने आप में सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए इसके बाद वाला जो सेंटेंस है इससे आपको समझ में आएगा कि क्या कन्फ्यूज़न होता है। देखिए यहाँ पे देखिए कोई कॉमा कुछ नहीं है, यहाँ पे राम, राम कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था लास्ट में, ये होना चाहिए था एक चीज़। दूसरा देखिए राम, उसके बाद हम उसको उसको कुछ बोल रहे हैं, उसको कुछ निर्देश दे रहे हैं, सोच आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, राम बोलने के बाद हमको संबोधन कर रहे हैं तो उसके बाद हमको कॉमा लगाना ज़रूरी है। राम कैन यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, देखिए यहाँ भी राम है लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि राम के बारे में जो कुछ बात कही जा रही है सिंपली, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम यहाँ पे राम को कुछ बोल रहे हैं, राम कैन यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए ग्लास पानी ला सकते हो, ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ही हैड टू प्ले क्रिकेट हाउ एवर ही डिडेंट, उसको क्रिकेट खेलना था लेकिन उसने क्या किया, नहीं खेला। तो देखिए हाउ एवर, हाउ एवर जो वर्ड है ना, हाउ एवर देयर फोर, ठीक है, इन फैक्ट, इसके बाद हमको कॉमा का यूज़ करना पड़ता है और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था और इसको कैपिटल में होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर हाउ एवर के बाद कॉमा होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे वर्ड्स के आगे बाद हमको कॉमा लगाना रहता है। इसका प्लेस कई बार चेंज भी हो जाता है, वो मैं बताऊँगा आगे। हाउएवर ही डिडेंट, उसने वह क्या है, नहीं खेला, शुरू में भी हो सकता था, ठीक है। हाउएवर फिर कॉमा, ही डिडेंट, ही हैड टू प्ले क्रिकेट, ही डिडेंट, ऐसा भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 17, ही हैड टू प्ले क्रिकेट हाउएवर ही डिडेंट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर इसको हमें स्मॉल में ही रखना है, ठीक है, हम फुल स्टॉप नहीं चाहते, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद हाउएवर के बाद फिर कॉमा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड के आगे हमको कॉमा लगाना रहता है। हाउएवर इन फैक्ट देयर फोर, ठीक है, ही डिडेंट, वह नहीं खेला। तो ये ऐसा ही बन सकता था, ये ऐसा ही बन सकता था, दोनों सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18 है, देर आर टू मेजर इश्यूज़ फेसिंग आवर सिटी टूडे, पॉल्यूशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है।
ये इसमें कॉलन का यूज़ हुआ है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके बारे में कुछ लिस्ट एक तरह से दे रहा है ये, तो पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब क्वेश्चन 19 और 20 जो है ये क्या है, मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा आप उसमें अच्छे से उसको खुद से सीख पाएँ, समझ पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए जो बिल्कुल सही है उसको आपको चुनना है, तो ऐसे सेंटेंस भी कई बार हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में लिया है। इस जो है ना थोड़ा बड़ा छोटा है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और ये कैपिटल में है, ठीक है, ये कैपिटल में है, ये कैपिटल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यस सर, ऐसा स्मॉल में होना चाहिए था कि बड़ा होना चाहिए था? इसका आंसर होगा ए, यस, फिर कॉमा, फिर स्मॉल ऐसा रहेगा क्योंकि किसी नाम का पार्ट नहीं है, हम उसको जनरली संबोधित कर रहे हैं, यदि किसी का नाम होता ना तब वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ होगा, फिर कॉमा, फिर से आगे रहेगा। मान लो मैंने पूछ दिया किसी से, आपसे पूछ दिया कि आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो बोलोगे? आप या तो यस बोलोगे, यस, फिर कॉमा लगाओगे, यस आई एम मोहन बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, नो, फिर कॉमा, आई एम नॉट मोहन, आई एम राम, ऐसा। इज़ दैट बुक यूअर्स? अब देखिए ये जो है पजेसिव केस का प्रनाउन है तीनों, तो इसमें क्या हमको अपोस्ट्रोफी लगाना है या नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखिए ये पजेसिव है, अपने आप में ही ये बोल रहा है कि ये पजेसिव केस का है ना, पजेसिव केस का प्रोनाउन है ये, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें कोई भी हमको एपोस्ट्रॉफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट बुक यूअर्स, तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, ये सही है, सी सही है इसका। तो इस तरह से ये टोटल 20 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के लिए मैंने लाए थे जो कि कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सरसाइज के थ्रू आपने समझा, एक बार इन सभी को देख लेते हैं। देखिए फुल स्टॉप ऐसे को पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप बताया सेंटेंस के लास्ट में, या डॉट के रूप में भी कभी हम लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क, ये भी देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क किसी भी क्वेश्चन करने के लिए लास्ट में लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों मार्क जो होते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं जनरली, और ये जो इसका मार्क्स ऐसे होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य होता है जब कभी सरप्राइज होते हैं किसी बात से, तो हम इसमें ऐसा लगाते हैं। फिर एक कॉमा, ये कॉमा कहीं पे थोड़ा रुकने के लिए। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क किसी से किसी के बात को ज्यों करते हो जब लिखते हैं तब उसमें कोटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। फिर कॉलन, कुछ लिस्ट बताने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं, कभी कभी हम कॉलन की जगह डैश का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे कॉलन का यूज़ होना है वहाँ पे हम उसकी जगह डैश का भी यूज़ कर लेते हैं। सेमी कॉलन, ठीक है, कॉमा से ज़्यादा रुकने के लिए और फुल स्टॉप से कम रुकने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बात और, ये सभी जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये लिखने में यूज़ होते हैं, बोलने में यूज़ नहीं होते हैं, बोलने में तो हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बोल देते हैं, लेकिन लिखते समय इसका ध्यान रखा जाता है क्योंकि उस समय अब एक्सप्रेस करने के लिए हम मौजूद नहीं होते हैं। फिर डैश, डैश का यूज़ बच गया था। देखिए कोई डेट बताने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है, कोई टाइम पीरियड बताने के लिए, जैसे कि इसकी मैंने कह दिया पेज नंबर 25 से लेके 29 तक आपको देखना है, तो ये डैश का यूज़ होगा ऐसा, ठीक है। हाइफन जो होता है छोटा होता है, यहाँ पे हाइफन का यूज़ नहीं होगा, हाइफन का यूज़ क्या है, जो कनेक्टेड रहते हैं ना, जैसे कि 21 बोल दिया मैंने, ठीक है, 21, तो यहाँ पे आएगा हाइफन, लेकिन यहाँ पे आएगा डैश क्योंकि अलग अलग डिजिट हैं उनके बीच का एक पीरियड बताया जा रहा है, और 21 क्या है, जुड़ा हुआ है 21, 21, ठीक है। वैसे ही एक्स,
एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, ऐसे शब्दों में हमको हाइफन लगाना रहता है। और इसमें ऐसे ये पीरियड हो गया, या फिर कोई डेट हो गया, दो जैसे कि मान लो 1980 से 1989, तो एक डेट का एक टाइम हो गया, तो यहाँ पर डैश का प्रयोग होगा, ठीक है इसका। इसके बाद आगे देखते हैं, डैश के बाद क्या बच गया, हाइफन। हाइफन मैंने बताया कैसे लगाना है, एपोस्ट्रॉफी सीखा आपने कैसे लगाना है, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी कई बार नंबर्स को शो करने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है, कि पीज, हाउ मैनी पीज इन द वर्ल्ड, कुछ वर्ड दिया रहेगा, हाउ मैनी पीज आर देयर, ऐसा बोलेगा तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। पीज, वंस, हाउ मैनी वंस इन दिस डिजिट, ऐसा पूछ देगा तो इसमें कितने डिजिट, कितने वंस हैं, तो 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, ठीक है ऐसा का इसका यूज़ होता है एपोस्ट्रॉफी का। आगे देखते हैं पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट होते हैं इसको भी कहा जाता है, ये इसको राउंड राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रेसेस इसको स्पायरल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है, अलग अलग नेम है। एलिप्सिस, ये एलिप्सिस बच गया था, एलिप्सिस जब हम कुछ बात कहते हैं और रुक जाते हैं उसको आगे बोलने के लिए, वहाँ पे 3 डॉट या 4 डॉट का यूज़ किया जाता है एलिप्सिस के लिए। तो इस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क्स का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आप कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।